साक्षी मुझे स्मार्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, क्या है, कैसे है, प्लीज मुझे पूरा समझाओ। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि है क्या, कर क्या रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं इस एमआर के वीडियो की रिगार्डिंग आपको सब कुछ डिस्क्लोज करूंगी, रिगार्डिंग द प्लॉट साइजेस, पेमेंट प्लान्स, एवरीथिंग, बट फॉर द लास्ट सीक्रेट और लास्ट यू नो सरप्राइज, यू हैव टू सी द कंप्लीट वीडियो, दैट्स इट। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। साक्षी ने अपने पास एक सरप्राइज भी रखा है और वो सरप्राइज एंड में मिलेगा, तो देखते हैं कैसे हम लोग करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। Are you looking for SEO plot on bang on SPR road? Or are you really looking for that property where you can earn highest rentals, good lease amount? सबसे ज़्यादा ROI, सबसे अच्छी location. Here you can get to know the complete details of the brands, what kind of opportunities we are coming up, payment plan and everything. A very warm welcome to Kamal Associates once again. इस बारी जो आपको हमने एक प्रॉमिस करा हुआ, हर बारी वो करते हैं कि आपके लिए कुछ एक्सपर्ट सेशन लेकर आएंगे, और इस बारी का एक्सपर्ट सेशन फिर से लेकर आए हैं। प्रोजेक्ट का नाम पीछे दिख ही रहा होगा, MR EBD 75A। Yes, this time we are covering MR just for you. तो बहुत अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो जिसको देखने समझने के लिए। और हाँ, जब मैं एक्सपर्ट सेशन बोलता हूँ तो पक्का एक्सपर्ट के साथ लेकर आएंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि क्यों हम आए एमआर में, क्यों हम इन्वेस्ट करें 75A में, हम क्यों इन्वेस्ट करें इन SCO प्लॉट्स में, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल रहने वाले हैं जो आप हमेशा मुझसे पूछते हो, तो आज मैं आपको फिर से एक बार एडवोकेट बनके पूछने वाला हूँ हमारे एक्सपर्ट से। तो आई विल रिक्वेस्ट साक्षी, हमारे एमआर से जो एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यकीन मानना करोड़ों की बातें करने वाले हैं आज हम, तो वीडियो को देखोगे समझोगे, और अपने किसी करोड़पति दोस्त को शेयर जरूर करना, उसे बोलना है करोड़ तो लगा के दिखा। एंड दैट वे वी आर हेयर टू असिस्ट यू एज ऑलवेज। बात करते हैं, देखते हैं। आई वेलकम साक्षी। हाय साक्षी, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू सर? एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम लोग साक्षी को लेकर आए हैं बात करने के लिए, एमआर के एक्सपर्ट हैं ये और एमआर के पेरोल पे हैं, तो पूरी बातें करेंगे, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे, पूछेंगे, जानेंगे। तो साक्षी, व्हाई एमआर? मुझे बताओ, एमआर के हम 75A सेक्टर में खड़े हुए हैं, इस प्रॉपर्टी EBD 75A में, क्या ऐसा डिफरेंट है इस प्रोजेक्ट में, क्या इसके USPs हैं और क्या लेके आने वाले हैं? Why MR? MR everyone knows, like it is the most top trusted brand in the whole world. We have global presence. You take any country, we have projects over there. And if you talk about India, so we have many upcoming plans in real estate with the township, villas, you know. And in NCR, if I talk about, so we have 10 plus projects which are functional and upcoming. Lot of projects are coming up here. Now I talk about the MR 75A. As this is a completely commercial SCO kind of a plot, so these are shop cum office concept places. What is SCO? SCO is a shop cum office concept where you can set up your office space, your banks, any commercial activity you can carry on here, right? So मतलब SCO में एक ऐसे आप खाली लैंड दे रहे हो हमको प्लॉट से जहां मैं बैंक्स को दे सकते हैं, बैंक ले सकते हैं अपने लिए, या ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जहां आप करो और आप बैंक को दो और आराम से जिंदगी भर खाओ कि भैया बैंक ने ले लिया आराम से। बियॉन्ड दैट और क्या क्या हम कर सकते हैं ऐसे प्लॉट्स में, जो SCO प्लॉट्स होते हैं उसमें क्या क्या हम लेकर आ सकते हैं, क्या क्या इंडस्ट्री आ सकते हैं? आप यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, बी इट बी बैंक्स, बी इट बी कैफेज, यू नो, बी इट बी एनी बिग सैलॉन्स एंड काइंड ऑफ एनी कॉफी शॉप्स, मे बी स्टारबक्स, यू कैन से दीज आर ऑल कॉफी चेन्स। अगर मुझे आज फोन लेना है तो मैं फोन लेने के लिए जाता हूँ क्रोमा या विजय सेल्स, तो उनके लिए ये एक परफेक्ट जगह है। दिस इज द परफेक्ट प्लेस आई वुड से, बिकॉज वी आर द फर्स्ट डेवलपर इन SCO प्लेस व्हेन वी यू नो लैंड फ्रॉम CPR, सो वी आर द फर्स्ट वन ऑन द राइट हैंड साइड, वी आर जस्ट 2 to 3 minutes it's away from NH8, that is a major factor we have. And location wise so bahut acha hai, one of the best location, and I would like to add some more points in it. So there we have American Express building coming up, which is all ready and
around 15 to 20,000 employees will be there, right? So next, we have TCS around 5 to 7,000 employees who are actually working there. So we have DLF Corporate Greens over there. So in Crust, we are expecting around 40 to 50,000 office spaces across the road where we are settled here. Okay. That is the only reason we're expecting around 1 to 2 lakhs appreciation in coming 1.5 to 2 years. Oh, brilliant. मतलब investment opportunity की अगर हम बात करें, मैं summarize करने की सोचूं, तो ऐसी जगह पे हम लोग SEO लेके आ रहे हैं, यानी sector 29 का copy या खान market का copy जो यहाँ पे आने वाला है SPR पे, bank on SPR, जहाँ पे सब चीजें आपकी मर्जी का investment का, बाद में मत बोलना खान market में दुकान लेनी थी मुझे, late पता चला या space लेना था, चाहिए तो अभी आना पड़ेगा, साक्षी को पकड़ना पड़ेगा, कमल एसोसिएट्स में आना रहेगा, हम पूरी बात समझेंगे। साक्षी, लेट्स हैव अ लुक एट इट के एग्जैक्टली है क्या और कहां हम लोग लेके आने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जब मुझे बोल रहे एससीओ प्लॉट्स हैं, तो किस साइजेस में आते हैं ये, आप ध्यान से देखोगे, मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा। हम अभी एक्चुअल साइट पे खड़े हैं साक्षी के साथ, तो हम लोग इनसे देखेंगे और आप देख पाओगे इस तरफ कैमरामैन के आपका काम जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी आपको वेट नहीं करना, हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओ और जल्दी से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। ये मेन SPR पे है, बैंक ऑन SPR है, और कॉर्पोरेट का जैसे भी साक्षी ने बताया गया, डील ऑफ ग्रीन्स ऑलरेडी यहाँ पे है, और मैं यहाँ से भी देखूँ तो कुछ मुझे बिल्डिंग नजर आ रही हैं। ये अमेरिकन एक्सप्रेस की अपकमिंग बिल्ड बनी हुई है, ऑलरेडी इज देयर, आपने करना कुछ नहीं है। इस एरिया के एसेंस को समझो कि जब हम बात करें कॉर्पोरेट्स के, ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं, एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड आने वाले हैं, रेजिडेंशियल में कितने लोग आने वाले हैं, एम्प्लॉयज हमने गिनाया, कमर्शियल बताया, रेजिडेंशियल में तो लोग रहेंगे आसपास, क्या है रेजिडेंशियल में हमारे पास जो भी कैचमेंट है वो अराउंड 25 से 30,000 लोगों की है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 80,000 और 1 लाख प्लस इन कमिंग 1.5 ईयर हियर। Many of the developers are here who are ready to give possession in coming 1 year only. Okay. So that is the major jack, around 50,000 office spaces, 1 lakh plus, you know, residential spaces, just 2 minutes from NH8. So we combine all these points. So it's a fabulous investment. It's a fabulous investment. Yes, it is. आप इतने बड़े project में जहाँ पे corporate already established है, जहाँ पर residential चीजें already आ रही हैं, तो ये अब नहीं आओगे तो कभी आओगे। इसमें जब हम बात करें SEO plot जो देख रहे हैं हम, ये कितना बड़ा एरिया है, ये कितना लैंड है पूरा, और कितने कितने साइजेस के प्लॉट्स होने वाले हैं? ये टोटल लैंड जो है ये 4.5 एकर्स की है, एंड इसके अंदर में टोटल 55 प्लॉट्स हैं। द प्लॉट्स आर रेंजिंग फ्रॉम 100 स्क्वायर यार्ड्स टू टिल 147 स्क्वायर यार्ड्स, एज वी हैव 136, 147 एंड 129 काइंड ऑफ अ स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स। आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको बड़ा लेना है, छोटा बड़ा लेना है, कैसे लेना है? तो इसके लिए जब बात करेंगे तो कैसे आप इसे बना के आप दोगे, हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसा ये बनने के बाद कैसा लगेगा? देखिए, ये पूरा एक रिटेल मार्केट है, सेक्टर 29 जो है, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, और सीपी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एसईओ प्लॉट्स। सीपी आज कौन नहीं जानता सीपी को, यू नो, एवरीबॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू सीपी फॉर द शॉपिंग, फॉर द F&B, एनी काइंड ऑफ अ थिंग। ऑफिस के पास अगर हो, जैसे ये साइबर हब है, हाँ, अगर ऑफिस के पास ही कोई ऐसा स्पेस हो जहाँ हम हैंग आउट कर सके दोस्तों का, तो ये मतलब ये दूसरा साइबर हब होने वाला है, इस एरिया का SPR का साइबर हब होने वाला है। सो इसमें आप जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, MR प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन करके नहीं देते हैं, वी प्रोवाइड जस्ट प्लॉट्स ओनली। इसमें आप जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो आप करेंगे बेसमेंट प्लस ग्राउंड एंड 4 फ्लोर तक आप बना सकते हैं। ओके, तो ये अप्रूवल ले लिया आपने? यस, एवरीथिंग इज अप्रूव्ड। आर यू गेटिंग इट? गुड़गांव में स्टिल्ट प्लस 3 का फैशन है, बट यहाँ पर आपको स्टिल्ट प्लस 4 में आप बना सकते हो, ऑलरेडी अप्रूव्ड चीजें हैं। तो दिस इज अ प्लस प्लस थिंग, जो नहीं हो रहा कहीं भी वो अप्रूवल लेके बैठे हैं, इंतजार सिर्फ आपका ही। यस, ऑफ कोर्स। ओके, और साइजेस के बारे में बात करी हमने, लोकेशन के बारे में बात करी, इसका USP, इसके कमर्शियल्स के जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, रेजिडेंशियल पीछे आ रहे हैं, आप 25-30 बोल रहे हैं, मैं तो पक्का इसको एक्सपेक्ट 50 से 60 हज़ार लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अपकमिंग 1-1.5 साल के अंदर। तो जब हम इस पूरी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, इतना कुछ आ रहा है कॉर्पोरेट एंगल से आ रहा है, SEO प्लॉट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? मतलब एक मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने व्यूवर्स के लिए पूछ रहा हूँ, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन SEO प्लॉट्स, या रेजिडेंशियल में क्यों ना जाऊँ, खड़े खड़ा रेंटल इनकम आती है, तो SEO प्लॉट्स या कमर्शियल में मुझे क्यों जाना चाहिए? देखिए सर, पहला घर पहला हर कोई लेता है, राइट? द फर्स्ट होम यू एवर नीड, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट अगर हम आगे की इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, रेजिडेंशियल हार्डली गिव यू 1-2% काइंड ऑफ अ रिटर्न।
एशिया का रिटर्न तो हम बहुत लीज प्रॉपर्टीज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली रेजिडेंशियल थिंग्स, राइट। एंड नाउ मैं कमर्शियल पे आती हूँ, लॉट ऑफ कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। इसमें आपके जो आरओआई वेरी करते हैं वो 8 से 10, 11, 12 के आसपास वेरी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज, लोकेशन, डेवलपर बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंटली। यस, 12% का रिटर्न, ओ माय गॉड, ये तो बहुत, मतलब आप लोग तो एफडी को भी पार कर गए अगर ढंग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप और एक कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, एससीओ प्लॉट में कर रहे हो, यू नीड टू बी वेरी वाइज अबाउट वेयर इन्वेस्टिंग, व्हाई इन्वेस्टिंग, हाउ यू आर इन्वेस्टिंग और किस तरीके से। और मुझे एक चीज बताना, सब कुछ अच्छा है, पैसे भी तो लोगे? बिल्कुल लेंगे सर। कितने लोगे? कैसे लोगे? उसके लिए तो सर यहाँ पे आके बात करनी पड़ेगी। अरे, दिस इज समथिंग व्हाट आई रियली लाइक अबाउट साक्षी एंड दैट इज लाइक टू वेलकम यू इन एमआर, जस्ट कम सी द लोकेशन, सी द प्रोस्पेक्ट्स ओवर हियर, देन गेट द बेस्ट डील। दैट्स इट। तो मतलब, और पेमेंट प्लान क्या रहेगा, कैसे कैसे अगर मैं अपना एक प्लान लेकर आऊँ, मैं कितने का चेक लेकर आऊँ, मैं अगर मैं आज ही आपसे डील बुक कर रहा हूँ, मुझे एक एसईओ प्लॉट दे दो जहाँ मैं कमल एसोसिएट्स को पूरा बनाने वाला हूँ, इतना कुछ आने वाला है, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया। सरप्राइज जो मैंने स्टार्टिंग से वीडियो में रखा हुआ था ना, मैं अब सरप्राइज को ब्रेक करती हूँ। तो पेमेंट प्लान इज 20-80। यस, सो 20% आपको देना है इनिशियल फ्यू मंथ्स में, उसके लिए आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आना पड़ेगा ऑफिस, एंड देन नेक्स्ट 80% यू हैव टू पे 1.5 ईयर ऑफ टाइम। तो मतलब अभी आपने 20% दे के आराम से बैठना है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो इधर उधर एफडियां बना के रखी हुई हैं जो नहीं दे रहे, उसके पास आपके पास 1.5 साल है पैसा निकाल के आराम से अपना बिना लॉसेस इनकर करे लेकर आने का, पूरी प्लानिंग कर लेना कैसे पैसे लेके लगाना है, और आपको 18 महीने दिए जा रहे हैं ताकि आप इसको रिमेनिंग 80% को कर सको। yes. इतना फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मिलेगी, इमार में मिलेगी और कमल एसोसिएट्स के थ्रू ही मिलेगी। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें साक्षी ने दी है, बहुत समझा हमने प्रोजेक्ट को लेकर, इमार 75A में क्या लेके आ रहा है, कैसे लेकर आ रहा है, क्यों इमार में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसईओ प्लॉट्स का मतलब क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, लोकेशन एडवांटेज और आसपास दिखाया, वो बिल्डिंग देख रहे हो पीछे आप जो अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस बना हुआ है, उस तरफ डीलर को कॉर्पोरेट गेन है, एक्चुअल साइट पर हम आपके लिए खड़े हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, साइट पर खड़े हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अब वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करो ताकि हम आपको साक्षी से मिलवाएं और इस डील के क्लोजर के लिए बैठे हैं, बात करें, समझे। ट्रस्ट मी, वीडियो में तो बात रहती है, आपको समझ आ रहा प्रोजेक्ट, बट एक्चुअली जब तक हम आएंगे ना साइट पे तो पूरी बात हो नहीं पाएगी, तो पूरी बात समझेंगे, ज़रूर मिलेंगे आपसे कमल एसोसिएट्स गुड़गांव ब्रांच में। सी यू सून। थैंक यू।